और अगली बड़ी खबर इस वक्त की भोपाल से, जहां कांग्रेस की सूची पर जल्द सस्पेंस खत्म हो सकता है। दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज है। कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मुहर लग सकती है। पहली सूची में 100 के करीब प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो सकती है। 65 मौजूदा विधायक हैं और 15 पूर्व विधायकों को पहली सूची में जगह मिल सकती है। सीईसी में वचन पत्र को लेकर भी चर्चा हो सकती है। 11 घोषणाओं के साथ कई नई घोषणाएं भी कांग्रेस ला सकती है। तो जल्द ही पहली सूची कांग्रेस की जारी हो सकती है। आज बड़ी बैठक दिल्ली में, और ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इसके बाद जल्द पहली सूची का जो सस्पेंस है वो खत्म होगा, यानी कि 100 के करीब प्रत्याशियों का ऐलान कांग्रेस कर देगी। तो आज जो बैठक होने वाली है उसमें अंतिम मोहर लगेगी। 100 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो सकती है और 65 मौजूदा विधायक हैं, 15 पूर्व विधायकों को भी टिकट मिल सकता है। तो कांग्रेस लगातार मंथन कर रही है और जिताऊ उम्मीदवारों पर जो है वो लगातार मंथन हो रहा है। और ऐसे में अब देखना होगा कि पहली सूची जो आएगी उनमें किन नामों को जो है वो शामिल किया गया है। 100 के करीब ये नाम होंगे जो पहली सूची में देखने को मिलेंगे। तो 5 मौजूदा विधायक, 15 पूर्व विधायकों को जो है जगह मिल सकती है, 65 ये मौजूदा विधायक है। तो कांग्रेस की सूची पर अब सस्पेंस जल्द खत्म हो सकता है। और आज बड़ी बैठक है दिल्ली में और उसके बाद फाइनल नाम जो है वो तय कर लिए जाएंगे, यानी कि अंतिम मोहर लग सकती है। आचार संहिता भी 1 से 2 दिन में लग जाएगी और ऐसे में अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उसके बाद जल्द से जल्द पहली सूची जो है वो जारी हो जाएगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस की पहली सूची जल्द जारी हो सकती है। दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक है और ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर संवाददाता संदीप हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। संदीप, लगातार कांग्रेस मंथन कर रही है, आज भी दिल्ली में बैठक है, लेकिन अब क्या माना जाए, ये बैठक जो है जो फाइनल प्रत्याशी है उनका नाम यहां पर तय कर लेगी और उसके बाद हमें जल्द से जल्द पहली सूची मिल जाएगी कांग्रेस की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कांग्रेस की तैयारियां हैं वो पहले से ही कमलनाथ का एक बयान भी आया था वर्षा, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि जिनको हमें चुनाव में मैदान में उतारना है उनको सूचित कर दिया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि आज जो दिल्ली में कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की जो बैठक होने वाली है उसमें जल्द ही जो है नामों पर से सस्पेंस खत्म हो जाएगा, क्योंकि सूची में जो 65 मौजूदा विधायक हैं इसके साथ ही साथ जो 15 ऐसे नेता हैं जिन्हें कि बीजेपी के जो केंद्रीय मंत्री है या फिर जिस तरह से सांसदों को उतारा गया है, ऐसे 15 चुनिंदा नामों को भी इस सूची में जगह मिल सकती है, क्योंकि जिस तरह से रणनीति बीजेपी ने बदली है उसके बाद कांग्रेस को भी रणनीति जो है अपनी चेंज करनी पड़ी है। इसको लेकर अब जो दिल्ली में मंथन होगा, और इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो 100 टिकटों के नामों पर जो है मोहर लग सकती है, लेकिन सूची कब आएगी ये अभी कहना मुश्किल होगा, क्योंकि आज जो है नाम अंतिम मोहर तो नामों पर लग जाएगी, लेकिन कांग्रेस का एक धड़ा ये भी मानता है कि अभी जो है सूची जल्दबाजी में जारी नहीं करनी चाहिए और लगातार जो है मंथन और आने वाले जो 100 उम्मीदवार है सूची में, इसके अलावा भी जो 130 उम्मीदवार बचते हैं उनको लेकर भी जो है पहले से ही इस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में आज जो है चिंतन और मंथन होगा। लेकिन देखने वाली बात वर्षा ये भी है कि जिस तरह से जो कांग्रेस है उसको वचन पत्र दिए हैं, वचन पत्र में जो घोषणाएं शामिल करनी है उसको लेकर भी इस जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक आज दिल्ली में होने जा रही है उसमें वचन पत्र को लेकर भी जो है चिंतन और मंथन कांग्रेस के नेताओं के बीच होगा, क्योंकि जिस तरह से शिवराज सरकार ने जो वचन कांग्रेस पहले से दे रही है कहीं ना कहीं उनका काउंटर किया है और जो अपने पाले में जो कांग्रेस के वचन है वो लाने की भरपूर कोशिश की है। ऐसे में कांग्रेस और भी वचन पत्र में 11 नई घोषणाएं और भी कर सकती है। तो दोनों ही बातें जो है इस बैठक में होने वाली है कि जल्दी जो सस्पेंस है वो भी खत्म हो सकता है उम्मीदवारी को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर इस बैठक में मंथन होगा। अब देखना होगा कि घोषणा पत्र में और क्या नई घोषणाएं हमें कांग्रेस की तरफ से देखने को मिलेंगी, साथ ही साथ पहली सूची कब जारी होगी इसका इंतजार रहेगा। बने रहिएगा संदीप।